हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे हैं दोस्तों, नमस्ते। आज हम जा रहे हैं दोस्तों लड्डू बनाने बेसन का। तो ये हमारा बेसन है और ये हमारा चीनी है। तो दोस्तों हम चीनी ये 2 कटोरी लगभग लेंगे दोस्तों, देखिए, और 1 कटोरी और लेंगे दोस्तों। हमने मान के चलिए 1.5 कटोरी दोस्तों ये हम चीनी लेंगे। बेसन दोस्तों कारचून का, ये हम बेसन 2 कटोरी बेसन लेंगे दोस्तों। तो हम 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1 कटोरी हमने नाप दिया है और ये दूसरी कटोरी फुल है। तो दोस्तों 2 कटोरी हमारा ये बेसन है। अब इसको हम दोस्तों चाल लेंगे, चल रहे हैं चलनी से, चल रहे हैं गैस के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम गैस को जला रहे हैं और हमने कढ़ाई को रख दिया है। देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम ये चीनी उसमें डाल देंगे दोस्तों, और हम इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे दोस्तों। दोस्तों हम ऐसे चला रहे हैं क्योंकि इसको बराबर चलाना है ताकि इसमें गुठली ना पड़े दोस्तों। इसी तरह चलाना है बराबर इसको दोस्तों। इसमें उबाल आ गया है, झाग आ गया है, और ऐसे धीमी आंच में इसको बराबर चलाते रहना है। तो हमारा ये चाशनी थोड़ा हल्का काला लग रहा है, तो इसमें हम दोस्तों थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं इसको साफ करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो इसका मैल है, काला है जो, वो देखिए कैसे किनारे आ गया है दोस्तों। अब इसको एक हम पलटा के सहारे दोस्तों निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम ये पलटे के सहारे, ये जो गंदगी है इसका, ये देखिए एकदम काला था, तो इसको मैंने ये निकाल लिया है दोस्तों। हमने दूध यूज किया है 2 चम्मच, और देखिए कितना साफ हो गई है चाशनी हमारी एकदम अच्छी तरह। तो दोस्तों, अगर ऐसे रहे चीनी आपका, अगर पाक बनाइएगा कभी आप लोग, तो इसी तरह इसमें दूध का यूज करिएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा, साफ फ्रेश आपका चाशनी। देखिए दोस्तों एकदम कितना, ये देखिए इसका मैल निकल गया है दोस्तों। ये दूध हमने 2 चम्मच डाला है। अब इसको हम दोस्तों अच्छी तरह चला लेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा और है दोस्तों, ये देखिए किनारे, तो हम इसको बराबर चलाएंगे। देखिए कितना साफ हमारा चाशनी हो गया है। और इसको बराबर ऐसे चलाते रहना है दोस्तों, ताकि ये खूब गाढ़ा हो जाएगा चाशनी। और जितने गाढ़ा होगा, जितने आप चलाएंगे, उतने आपके लिए फायदा है दोस्तों। मध्यम आंच में इसको बनाना है और अच्छी तरह इसी तरह चलाते रहना है, जब तक ये हमारा चीनी एकदम जम नहीं जाएगा। और चलाते रहना है इसको, जम के इसको अच्छी तरह चलाएंगे, उतने आपका ये बढ़िया दानेदार बनेगा चाशनी। कितना ये गाढ़ा हो गया चाशनी हमारा, और ऐसे इसको चलाते रहना है दोस्तों। इसमें दोस्तों झटपट में तो बनता है, लेकिन ये समय लेता है दोस्तों। कम से कम ये 15-20 मिनट से कम नहीं लेता चाशनी बनाने में दोस्तों। चाशनी हमारी एकदम बन के परफेक्ट तैयार हो गई है, और देखिए ये कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा तैयार है दोस्तों। अब हम गैस को बुझा देंगे, अब इसके बाद हम बेसन की तैयारी करेंगे भूजने का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जमने करार पे आ गया है। इसको ऐसे चलाते रहना है, चलाते रहना है, और इसी तरह ये दानेदार बन जाएगा दोस्तों। मध्यम आंच में करना है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा दाना, ये हमारा एकदम फर्स्ट क्लास पड़ गया है। जितने आप चलाएंगे, उतने आपका अच्छा होगा दोस्तों। इसको जितने चलाना है, इसमें दोस्तों और नहीं पड़ना चाहिए। अब गैस को हम दोस्तों बुझा देंगे और खूब अच्छी तरह इसको, इसी तरह इसको मेल्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना भुर्रा और दानेदार हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब इसको दोस्तों हम चार लेंगे एक छन्नी से, और छानने के बाद जो जो ये गुठली है, इसको दोस्तों हम मिक्सर में चला लेंगे। तो
देखिए दोस्तों, ये जो गुठली है बचा हुआ, इसको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको मिक्सर में जार में पीस के इसको इसमें डाल दीजिए दोस्तों। तो अब हम मिक्सर के जार में दोस्तों और इसको पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम मिक्सर के जार में डाल लिए हैं और दोस्तों ये अच्छी तरह ये पिसा गया दोस्तों। अब इसको हम जो है उसमें निकाल के रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा बन गया दोस्तों, लेंगे गुठली नहीं रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो बचा है इसको हम चाय में डाल के यूज कर लेंगे दोस्तों, जो थोड़ा सा बचा है हमारा। और देखिए कितना अच्छा हमने इसको चाल के और अच्छी तरह दानेदार बना लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम चल रहे हैं इसी तरह, ये जो बेसन है इसको भी हम दोस्तों चाल लेंगे। इसमें जो गुठलियां होगी ये निकल जाएंगी दोस्तों। ऐसे देखिए चाल लेना है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारी गुठली होगा वो निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बचा था ये गुठली ये निकल गया दोस्तों। अब हम इसको चल रहे हैं दोस्तों, कड़ाही को गैस पे रख दिए हैं दोस्तों। तो अब हम जला रहे हैं दोस्तों। हमारी कड़ाही गर्म हो गई है और ये देखिए एक कटोरी दोस्तों घी है, और अब घी को हम आधा डाल देंगे दोस्तों इसमें। आंच में दोस्तों इसको भूनना है। अब हम दोस्तों बेसन डालेंगे। अब दोस्तों हम बेसन को देखिए भूज रहे हैं, इसी तरह इसको बराबर चलाते रहना है दोस्तों। ये कैसे सोख लिया है घी, और अब ये जब इसमें थोड़ा सा लगेगा आंच और तभी ये घी इसमें एकदम पिघलना शुरू कर देगा। देखिए अब धीरे धीरे दोस्तों अपने आप घी छोड़ रहा है, अभी तो सोख लिया है दोस्तों बेसन। तो देखिए दोस्तों, ऐसे धीमी आंच में इसको मध्यम में भूनना है, इसी तरह इसको बराबर चलाते रहना है। और दोस्तों थोड़ा सा घी और डालना है बस। तो ये हमारा एकदम गीला हो गया घी, एकदम इसमें पिघल गया दोस्तों अच्छी तरह। और अब इसमें दोस्तों हम एक चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे दोस्तों, खुशबू के लिए। देखिए दोस्तों, इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। अच्छी तरह हमने इसमें मिला दिया है। देखिए दोस्तों, हल्का ब्राउन हो गया है, अभी थोड़ा और हमें भूनना है इसको। अच्छा, इसकी महक आ रही है, बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है दोस्तों। और अभी थोड़ा सा और इसको ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 2-3 मिनट लगेगा दोस्तों लगभग। ब्राउन हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे दोस्तों, ताकि ये दाना बना ले। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना है दोस्तों, ताकि ये हमारा दाना अच्छी तरह बन जाए। और इसको चलाते रहना है ऐसे। हमारा ये ब्राउन हो चुका है, अब हम गैस को बुझा रहे हैं और इसको हम उतार रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा देखने में इसका लुक लग रहा है दोस्तों, एकदम पक चुका है ये। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरह पक चुका है, ब्राउन हो गया है। अब हम गैस बुझा रहे हैं दोस्तों, अगर ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा ये दोस्तों। कितना अच्छी इसका लुक देखिए आ गया है दोस्तों। अब हम गैस बुझा रहे हैं और हम वो चीनी में दोस्तों डालेंगे। हम निकाल रहे हैं तो इसको अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अभी बहुत गर्म है दोस्तों, हाथ नहीं सह जाएगा, इसीलिए ये पलटे के द्वारा दोस्तों हम मिला रहे हैं। अच्छी तरह मिला लिया है, अभी थोड़ा दोस्तों गर्म है, इसीलिए बांधने में दिक्कत हो रही है, बहुत गर्म है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने अच्छी तरह मिला लिया है, अभी बहुत गर्म है दोस्तों, हाथ नहीं सह जा रहा है, पर बहुत अच्छी तरह मिल गया है। और अभी थोड़ी देर के लिए दोस्तों रेस्ट है, क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ नहीं सह जा रहा है दोस्तों। कितना अच्छा, कितना गजब लड्डू बन रहा है दोस्तों। और ऐसे ऐसे सब बनाना है दोस्तों, एकदम ऐसे इसी तरह गोल गोल में। थोड़ा दोस्तों हाथ से बन रहा है तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखिए कितना गजब का दानेदार लड्डू। अब मैं एक बर्तन में दोस्तों रख रही हूँ, तो देखिए दोस्तों कितना गजब का है। इसी तरह सभी सारे हम बना लेंगे दोस्तों। हमने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, मेरी रेसिपी देख करके
आप लोग जरूर ट्राई और जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत गजब ये बना है। जैसे हलवाई बनाते हैं दोस्तों, उसी तरह ये रेसिपी हमने बनाया है। देखिए देखिए कितना दाना परफेक्ट बना है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, हमारा आज ये बेसन का दानेदार लड्डू बनके तैयार हो गया है दोस्तों। माय मीना होममेड कुकिंग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए दोस्तों। और आज चतुर्थी गणेश जी है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने बनाया है। आप लोग मेरे चैनल को देख करके इस वीडियो को बनाइएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करके हमने बनाया है। और ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप बनाएंगी। और देखा रही हूँ दोस्तों फोड़ के कि देखिए कैसे ये बना है लड्डू, कितना दानेदार, देखिए कितना गजब लड्डू बना है दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।